एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। प्राइवेट एरियाज का कालापन कैसे दूर कर सकते हैं? अपर थाइज का जो इनर साइड होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कालापन कई बार हो जाता है। बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं, इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो बहुत आसान सी रेमेडी बताऊँगी, जिसको अगर रेगुलर यूज़ कर लेते हैं 1 वीक आप, तो अपने आप प्राइवेट एरिया, बिकिनी एरिया का कालापन दूर कर सकते हैं। एंड आपको करना क्या होगा, पहले तो ये चीज़ होती क्यों है कि हम बहुत ज़्यादा कई बार टाइट कपड़े पहनते हैं, तो उसकी वजह से होता है, पसीने की वजह से ये हो जाता है। या हम जो हेयर रिमूविंग क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें केमिकल होता है, उसकी वजह से भी ये कालापन आ जाता है। कई बार न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो जाता है। तो बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसके जो उपाय हैं रिमूव करने के, वो भी बहुत सारे हैं। उसी में से एक रेमेडी आज आपको बताने वाली हूँ। इसको ज़्यादातर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर 99% लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये चीज़ कैसे ठीक करें, कालापन, बिकनी एरिया का जो कालापन है कैसे ठीक करें अपना। तो आपको करना क्या होगा, आपको लेना होगा इस तरह से 1/2 स्पून हल्दी पाउडर। दोस्तों इसको, इसमें आपको 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। एक स्टेप है जो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है फॉलो, और जो दूसरा स्टेप है उसको आप डेली रात को सोने से पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए आपको स्क्रबिंग करनी होगी। स्क्रब कोई भी ले सकते हैं आप, घर वाला बना सकते हैं। चावल का आटा ले लीजिए, उसमें दूध मिक्स कर लीजिए, या फिर आप पिसी हुई चीनी, कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए, या तो फिर आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, कॉफ़ी में आप ऑयल मिक्स कर लीजिए कोई भी, या मार्केट वाला कोई भी स्क्रब ले सकते हैं। लेकिन आपको 2 से 3 बार अपने प्राइवेट जो बिकिनी एरिया है, जो आपका वजाइनल एरिया है, वहाँ पर आपको, जो डार्क एरिया है वहां पर आपको स्क्रब करना ही करना है। कम से कम 2 से 3 बार हल्के हाथ से आपको स्क्रब करना है, जिससे कि जो डर्ट वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह तो साफ हो ही जाए, आपकी डेड स्किन हट जाए और कालापन हट जाए, ठीक है। तो अब आपको पैक तैयार करना होगा। एक जो सेकंड स्टेप है उसमें हमारा है एक पैक। तो इसको तैयार करने के लिए 1/2 स्पून मैंने हल्दी ली है, हल्दी पाउडर, और इसमें मैंने 1/2 लेमन डाल लूंगी। हल्दी आप किचन वाली ले सकते हैं, तो मैंने इसमें डाल लिया है 1/2 लेमन। इस पैक को आप बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में, और इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 दिन के लिए इसको आप बनाकर रख लीजिए। और हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, जो कि है ये रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारे स्किन को डैमेज से बचा देता है, तो हम इसमें 1/2 स्पून ही रोज़ वाटर मैं ऐड कर दूँगी, और इसका एक हम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। रोज़ वाटर हमारे स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, और हमारी स्किन को डैमेज से बचाता है। जो डैमेज स्किन है हमारी, उसको रिपेयर करता है। हल्दी में जो प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीफंगल होती है, जो इन्फेक्शन वगैरह है उसको तो ये ठीक करती है, ये रंग को निखारती है कालेपन को दूर करके। और जो लेमन हमने इसमें ऐड किया है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, जो कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टी लेमन की होती है, ब्लीचिंग एजेंट होता है लेमन में, जो आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच करता है और कालेपन को हटा देता है, ठीक है, डार्क धब्बों को रिमूव कर देता है। तो ये हमारा एक पेस्ट इस तरह का बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसको रोज़ाना रात में अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 वीक तक इसको रोज़ाना रात में अप्लाई करना है, आपको काफ़ी अच्छा इससे रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसको इस तरह से लगा लीजिए, इसकी पतली सी लेयर, और इसको आपको ओवर नाइट छोड़ना है, पूरी रात के लिए आपको इसको छोड़ देना है। इस तरह से लगाइए डार्क एरिया पर, और इसको पूरी रात के लिए आप छोड़ दीजिए। सुबह में आप इसको वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने लेमन ऐड किया है, तो स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर कीजिएगा। इसको इस तरह से आप हल्के हाथ से रब करते हुए पूरी स्किन में लगा लेंगे। तो ओवरनाइट छोड़ने के बाद सुबह आप नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर दें।